मोटी मोटे रे मोटे मोटकी मोटो हाय रे मेरी मोटो। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ, मैं नहीं, हम सब करने वाले हैं रिएक्ट ऑन माय मीन कमेंट्स। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पढ़ूंगी मीन कमेंट्स एंड ये लोग देने वाले हैं रिप्लाई। तो मैं सबसे पहला मीन कमेंट्स पढ़ने जा रही हूँ। पहला मीन कमेंट किया है सना फरीदी ने, तो इन्होंने कमेंट किया है सब खराब है। सब खराब है तो तुम ही सबसे अच्छी होगी। तो फिर एक काम करो, तुम ही वीडियो बनाओ और हम लोग सिर्फ तुम्हारा ही वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि सबसे अच्छी तो तुम ही हो। हाँ, सही बोला सही बोला सही बोला सही बोला। नेक्स्ट कमेंट किया है रिमिशा अंसारी ने, तो इन्होंने लिखा है बेबी जाकर थोड़ी स्टडीज कर लो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर अपर लिप्स बनाओ, फिर बनना मेकअप इन्फ्लुएंसर। तो सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट किया है फलक नूर ने, यू सीरियसली डू लुक लाइक अ टिपिकल आंटी गिविंग यूजलेस ज्ञान। कम से कम ये ज्ञान तो दे रही है ना, दूसरे के वीडियोस पे जाके गलत गलत कमेंट तो नहीं कर रही है, दूसरे की बुराई तो नहीं कर रही है, आपकी तरह ही दे रही है, आपकी तरह बस ज्ञान ही दे रही है। तो नेक्स्ट कमेंट किया है दर्शिका श्रीवास्तव ने, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेना बेटा, बिकॉज इंडिया नीड्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स टू इंस्टीड ऑफ मेकअप आर्टिस्ट। तो सुनिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बनेंगे आगे जाकर, बट कुछ अलग भी होना चाहिए ना। तो और हाँ, ये जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स होते हैं ना, इनको भी अपनी शादी में मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि जो कोई भी बचपन में डांस या ड्राइंग करता था वो बड़ा होकर के उसी फील्ड में जाता है, तो ये ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये फिर मेकअप आर्टिस्ट ही बनेगी, ये कुछ और भी बन सकती है, क्योंकि मेरे जीवन का कुछ और भी गोल है। नेक्स्ट कमेंट किया है वेट आई विल चेंज टू, तो इन्होंने कमेंट किया है आई मेकअप थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया है, मेकअप डजंट सूट योर फेस, जस्ट अप्लाई डैम पॉन्ड्स पाउडर एंड काजल लाइक मी। आई वॉज इंजॉइंग, इन्होंने एक और कमेंट किया, आई वॉज इंजॉइंग द सॉन्ग, वॉजंट इंटरेस्टेड इन योर मेकअप। आप बोल रहे हैं कि मैं इसका गाना इंजॉय कर रही थी, फिर आपने इसका मेकअप कैसे देखा कि ज्यादा, हाँ ज्यादा लगा या कम लगा? हाँ, सही बोला। क्या सूट करेगा? हाँ, इतना आपने कितना ऑब्जर्व कर लिया, आप तो सिर्फ गाना ही सुन रहे थे, मेकअप तो आपने देखा नहीं, वही फिर तो। आपने इतना ज्यादा कैसे कर लिया, अंदाजा लगा लिया किस पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इस पे पॉन्ड्स पाउडर अच्छा लगेगा या कोई और। हाँ, नेक्स्ट कमेंट किया है वसीफ हुसैन ने, इन्होंने लिखा है बस इतना सा मेकअप, मेरे पास इसके 3 गुना ज्यादा मेकअप है, तो भेज दीजिए। अगर आपके पास इतना ही मेकअप है तो हमें भेज दीजिए, हम लोग क्योंकि हम लोग गरीब है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, हमारे पास नहीं है ज्यादा मेकअप। अगर आपको एड्रेस नहीं पता ना तो हम लोग एड्रेस आपको सेंड कर देते हैं, भेज दीजिए हमें, हमें बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपके पास इतना सारा है तो आप थोड़ा सा दान भी कर दीजिएगा तो कम नहीं होगा। और जितना मेकअप आप खरीदने में वेस्ट कर रहे हो इससे ज्यादा आप काम हो जाएगा। सही बोला। तो हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है वो है प्रीचा राज के द्वारा, इन्होंने लिखा है बेबी ने इतना जल्दी मेकअप सीख लिया, अभी तो अपर लिप्स आना शुरू ही हुए। रही बात अगर मेकअप की, तो अभी 6 साल की बच्चियां भी मेकअप करने लगी हैं, एंड रही बात मूंछ की तो वो हम सबको है, और ये अभी वही ना, मूंछ क्यों देख रहे हैं, मेकअप देख रहे हैं, वही तो, मेकअप में मूंछ क्यों देख रहे हो? वैसे भी हम लोग का, मतलब हम सभी का मूंछ है, जेनेटिक है, एंड वैसे भी हम लोग इतने सुंदर हैं तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है वो किया गया है एंजल गर्ल के द्वारा, इन्होंने लिखा है दिस इज टू बैड मेकअप बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होके
इनका मेकअप देखते हैं। ये तो बात है। आप इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है और आप इतनी छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट का वीडियो क्यों देखती हैं? वही ना, क्या आप हमें सिखाना चाहते हो तो सिखा दो भाई, हम भी प्रोफेशनल हो जाएंगे। हाँ, अभी मैं बिगिनर ही हूँ, इसलिए इस तरीके के कमेंट करके मुझे डीमोटिवेट मत करिए बिकॉज बुरा लगता है भाई, क्योंकि ये भी आपकी तरह प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी बनना चाहती है, इसलिए आप जी अभी डीमोटिवेट कीजिएगा तो ये प्रोफेशनल नहीं हो पाएगी, बस ऐसी छोटी मोटी सी रह के रह जाए। नेक्स्ट कमेंट किया है 2020 गेमिंग ने, बिल्कुल चुड़ैल। क्यों आप डर गए? कलिता निकल करके बाहर आ गया क्या? हाथ में तो रहिया क्या ठीक से ना? आप बेहोश तो नहीं हुई ना? एम्बुलेंस भिजवा दो। नेक्स्ट कमेंट किया है Q3 in ऑफ माफिया 9। कैसा नाम है? तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बहुत ही गंदे हैं। देखो इस कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं देने वाली, इस कमेंट का रिप्लाई आप लोग देंगे बिकॉज ये आपके बारे में है एंड मेरा कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, तो अगर आप इसको रिप्लाई देना चाहते हो तो कमेंट करके प्लीज रिप्लाई दो। नेक्स्ट कमेंट किया है शिवम राजपूत ने, तू तो एकदम सांड है या भैंस दिख नहीं रहा, गाय तो नहीं है सांड लगती है, लेकिन हमको तो ये इंसान ही लगती है। कैसे सांड लग रही है? इसके तो दो ही पैर है भाई, कहीं सिंग तो नहीं? हाँ नहीं, हमको तो कोई सिंग या दो पैर या कोई पूछ तो नहीं दिख रहा है। शायद आपकी आंखों में तकलीफ है, आप जाकर के डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लीजिए। रेहान खान ने, मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं अगली वीडियो कौन सी डालू, कब डालू, ठीक है, तो इन्होंने लिखा कभी मत डालो। क्यों? आपका नेट खत्म होता है? वही तो, आपकी मेहनत लगती है। हाँ। यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए 3-4 घंटे लगाते हो, अगर आपको नहीं अच्छा था मत देखो, इसमें क्या, वही ना, आपको कौन जबरदस्ती कहता है? इट्स हर चॉइस, फिर ये वीडियो माय चॉइस, और इसने बस एडवाइस मांगी थी और ये जरूरत तो नहीं है कि मैं आपकी एडवाइस मानू ही। और इतनी गंदी एडवाइस ना मत देना अगली बार से, और देनी हो तो अपने आप को दे देना, क्योंकि बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। नेक्स्ट कमेंट किया है रेहन खान, इन्होंने लिखा है आई कैन डू बेटर देन यू। क्या पता नहीं क्या इन्होंने बस लिखा, आई कैन डू बेटर। ओह आई थिंक ये शी कैन डू और ही कैन डू बैड कमेंट्स ऑन अदर्स वीडियो बेटर देन यू, आई थिंक यस यस। तो नेक्स्ट कमेंट किया है श्वेता अवस्थी ने, इन्होंने लिखा है आईब्रो तो बना लेती, वेरी बैड मेकअप, यू शुड लीव यूट्यूब, मुझे लगा कि अच्छी वीडियो होगी, टाइम वेस्ट, मेकअप भी, शायद ये मेक लिखी है लेकिन लगता है मेकअप लिखना चाह रही थी, मेकअप भी बहुत घटिया है। इतने ही घटिया अगर मेकअप है तो पूरी मेकअप आपने देखी क्यों? आधे में देखी क्यों? आधे में ही तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि ये घटिया अच्छा है या खराब है, वही तो आपने पूरी वीडियो देख ली, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैंने तो नहीं बोला था कि इतना पूरा टाइम वेस्ट करो, अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो ही देखो शुरुआत में, नहीं तो छोड़ दीजिए। किसी ने फोर्स मेक किया है? नेक्स्ट कमेंट किया है श्रीमान शैनी सेनी, बहुत अजीब सा नाम है, इन्होंने लिखा है मोटी तेरे पे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता गंदी। आई थिंक आपको नहीं आता लिखना, इसलिए पहले आप लिखना सीख लो उसके बाद कमेंट करना। नेक्स्ट कमेंट किया है हुजैफा क्वेश्चन ने, मुझे इनका नाम नहीं आ रहा तो इसलिए सॉरी, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं आपको, आपने मुझे हेट कमेंट किया तो भी मैं आपको सॉरी कर रही हूँ, तो छोड़ो। हाँ माँ जी अपना वेट कम करे। खुश रहो बेटा जी, क्या
आप अपनी मम्मी को भी ऐसे ही बोलते हो? पता नहीं, तो आपकी मम्मी कहीं मोटी तो नहीं है? हाँ, आप अपनी मम्मी को बोल रहे हो अगर आपने बोलते बोलते कमेंट कर दिया। शर्म नहीं आती किसी को ऐसे लिखने में? अगर आप मुझे अपनी माता जी से कंपेयर कर रहे हो देन इट इज टू बैड कि आपकी सोच इतनी घटिया है। नेक्स्ट कमेंट किया है नौशाद अंसारी ने, वीडियो बनाना तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता, तेनु सूट नहीं करता। आप ही वीडियो बना लीजिए, अगर आप पे सूट करता है तो आप ही बनाओ, हम लोग उसी का वीडियो देखेंगे, वही वीडियो देखेंगे, आप ही का सब आप ही का देखेंगे, अच्छा वाला वीडियो देख लेंगे, क्योंकि आपका वीडियो तो सबसे अच्छा होगा और आप पे तो बहुत अच्छा सूट करेगा। अनुष्का रॉय जी के द्वारा, आई डोंट लाइक योर वॉइस, एंड इन्होंने एक और कमेंट किया है, योर आईब्रोज आर होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने इज लगा दिया, आर वेरी बेड बेड बिस्तर, एंड इससे पहले इन्होंने एक और कुछ और भी कमेंट किए हैं जिसमें इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की है, योर लाइक योर क्या था, योर आईज आर लुकिंग सो गुड। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट कमेंट किया गया है सदिया नाज के द्वारा, इन्होंने लिखा है बकवास। ओके, देन गेट आउट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट कमेंट किया है किसने किया है, इनका नाम नहीं मुझे दिख रहा, मैं यहाँ पे डाल दूंगी, इन्होंने लिखा है भागो भागो भूत आया। तो मुझे लगता है कि आपने खुद का चेहरा ही देख लिया है, हो सकता है आपने आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया होगा, शायद आपने धूप में देखा होगा और आपका चेहरा आपको खुद ही दिख गया होगा, क्योंकि मेरे वीडियो में तो भूत नहीं आया है ना। हाँ, हो सकता है आपने अपना ही चेहरा देख लिया होगा और डर गए होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है वो किया गया है एंजल एंड जेनी शो जेन के द्वारा, क्या नाम है, नाम बहुत अच्छा है, कमेंट उतना ही वाई आता है, टट्टी मेकअप है ये तो टट्टी है। नेक्स्ट कमेंट, ओके नेक्स्ट कमेंट किया है जनरल नॉलेज ने, ठीक है, डोंट बी स्मार्ट, हो गया जनरल नॉलेज स्मार्ट होने की बात कर रही। देखो आप अगर जनरल नॉलेज पढ़ाते हो या कुछ भी करते हो तो इससे इसका मतलब आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा स्मार्ट हो बनने दो, अगर आप बहुत ज्यादा हो स्मार्ट तो। है एंड नेक्स्ट इन्होंने एक और कमेंट किया है, जनरल नॉलेज नहीं बेबी एलिफेंट, इनकी डीपी जो है ना बहुत ज्यादा प्यारी है, पप्पीज कितने क्यूट होते हैं ना। So that's it for today guys, I hope you all like this video, if you like this video then please give a big thumbs up to this video, if you like me and my content then please subscribe to my YouTube channel and agar aap mujhe kuch bhi suggest karna chahte hain then comment below, stay tuned, stay safe and bye bye.